जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे परियोजनाओं का वर्तमान में निर्माण कार्य चल रहा है और बहुत सारे परियोजनाएं प्रस्तावित किए गए हैं जिनका निर्माण कार्य बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। लेकिन इसी के बीच हमारे देश में ऐसे भी परियोजनाएं हैं जिनका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और इन परियोजनाओं को आम नागरिकों को समर्पित भी किया जा चुका है। बस कुछ ही महीनों बाद साल 2022 समाप्त हो जाएगा और 2022 में भी बहुत सारे परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। यह परियोजना कोंकण रेलवे जोन में आता है और परियोजना के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य के रोहा से कर्नाटक राज्य के ठोकुर तक का खंड पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है। इस परियोजना के इलेक्ट्रिफिकेशन की शुरुआत नवंबर 2015 में हुआ था अंडर मिशन 100% इलेक्ट्रिफिकेशन। कोंकण रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट महाराष्ट्र राज्य के रोहा से शुरू होकर खेड़, चिपलून, रत्नागिरी, राजापुर, मडगांव, कारवार, कुंदापुरा, उदुपी होते हुए कर्नाटक राज्य के ठोकुर में जाकर समाप्त होती है और परियोजना की कुल लंबाई लगभग 741 किलोमीटर है। मार्च 2022 में पूरे कोंकण रेलवे रूट का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा चुका है और इस परियोजना के निर्माण में 1,287 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। तो यह था 2022 में बनकर तैयार हो चुके भारत परियोजनाओं के बारे में।